1920 18 साल का एक युवक गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ता है। क्रांतिकारी बनने की जिद ऐसी की परीक्षा से सिर्फ 20 दिन पहले ब्रिटिश शिक्षा छोड़ दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिहार विद्यापीठ में शामिल होने के लिए बिहार नेशनल कॉलेज से अपना नाम वापस ले लिया। आने वाले वक्त में इस नव युवक ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भूमिगत स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। बिहार में एक जन आंदोलन का भी नेतृत्व किया जिसे भारत की राजनीति में एक सुधार के तौर पर देखा जाता है। आज उसी महान नेता जयप्रकाश नारायण के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। साल 1929 जयप्रकाश नेहरू के निमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में जल्द ही वो बापू के चहेते बन गए। इसके साथ ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ सबसे पहले लाइन में साथ रहने वाले सैनिकों में से एक बन गए। जयप्रकाश नारायण दो बार आजादी के लिए लड़े, पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में, तो वहीं दूसरी बार खुद कांग्रेस के खिलाफ यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जेपी के भूमिगत आंदोलन की। जेपी को पहली बार 1932 में सविनय अवज्ञा के खिलाफ नासिक जेल में डाल दिया गया था। यहाँ जेपी कई स्वतंत्रता सेनानियों से मिले जिनमें राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता का नाम शामिल है। वर्ल्ड वॉर टू में भारत की भागीदारी का विरोध करने पर उन्हें 1939 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 नवंबर 1942 को दिवाली की रात जेपी नाटकीय ढंग से जेल से भागने में कामयाब रहे। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया तो जेपी ने भूमिगत रहते हुए गांधी के आंदोलन में सहयोग किया। अंग्रेजों ने उन्हें जीवित या मृत पकड़ने का आदेश दिया। आखिरकार 1943 में जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को लोगों ने लोकनायक की पदवी दी। जेपी कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने आजादी के बाद कोई भी संसदीय पद स्वीकार नहीं किया। 1948 में जेपी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। साथ ही विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर अपनी सारी जमीन भूमिहीनों को दान कर दी। अब बात करते हैं उस क्रांति की जब जेपी कांग्रेस से ही बगावत कर दिए थे। 1966 में जब पहली बार इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तो जेपी ने उन्हें बधाई दी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। 1971 में जब इंदिरा को दोबारा पीएम बनाने पर जेपी ने बधाई के साथ एक संदेश भी दिया। उन्होंने उसमें लिखा था कि मुझे राष्ट्रपति चुनाव के समय आपका व्यवहार पसंद नहीं आया। 1974 में बिहार में आंदोलनकारी छात्रों के साथ जेपी एक ऐतिहासिक साइलेंट प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया और विधानसभा को उन्होंने भंग करने की मांग की। 18 मार्च को बिहार पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। 72 साल के जेपी ने इसमें मार्च किया। 5 जून 1974 में जेपी ने पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी ही भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिर्फ बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए नहीं आए, संपूर्ण क्रांति इसके अलावा कुछ नहीं। लुधियाना, कलकत्ता और पटना में उन पर कई बार हमला किया गया। 12 जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गड़बड़ियों का दोषी पाया। जेपी ने उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की। 25 जून 1975 को इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके एक दिन बाद ही जेपी को उनके सहयोगी मोरारजी देसाई और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। परोल पर रिहा होकर जेपी ने बीमार होने के बावजूद दिल्ली के रामलीला मैदान में करीब 1,00,000 लोगों को इकट्ठा किया। इंदिरा के खिलाफ आंदोलन में जेपी ने जनसंघ को शामिल किया, जिसके बाद उनके ही आग्रह पर जनसंघ ने जनता पार्टी से विलय कर लिया। 18 जनवरी 1977 को बढ़ते आंदोलन के बीच इंदिरा को आपातकाल हटाने और नए चुनाव को करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंदिरा को हरा कर जनता पार्टी भारत पर शासन करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जेपी साइलेंट किंग मेकर की भूमिका में रहे। उन्होंने कई गैर कांग्रेसी युवा नेताओं को प्रेरित किया जिनमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान, वीपी सिंह का नाम शामिल है। 8 अक्टूबर 1979 में अपने 77वें जन्मदिन से ठीक पहले जयप्रकाश नारायण ने अंतिम सांस ली। देश ने अपना पहला लोकनायक खो दिया। आज भी स्वतंत्रता संग्राम और उनकी लोकतंत्र की भावना को लोगों ने दिल में रखा है।